भिलाई वॉरियर्स एकेडमी द्वारा भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से हॉस्पिटल सेक्टर ग्राउंड में नानी कप का आयोजन 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया गया। इस ड्यूज बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। शनिवार को सेमीफाइनल का मुकाबला किया गया, वहीं रविवार 31 दिसंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच जीतने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया गया। भिलाई वॉरियर्स एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जिसने हमेशा से ही क्रिकेट को लेकर न बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दिया, बल्कि उन्हें मंच प्रदान करने समय समय पर प्रतियोगिता कराकर उन्हें मंच प्रदान किया है। ऐसा ही एक नानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भिलाई वॉरियर्स एकेडमी के तत्वावधान में हॉस्पिटल सेक्टर C3 ग्राउंड में आयोजित किया गया। 9 दिवसीय चलने वाली इस नानी कप टूर्नामेंट में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट का समापन 31 दिसंबर रविवार को किया गया। समापन अवसर पर फाइनल टीम के खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी को अपने नाम किया। थाले एकदम आसमान पर नासा को दिखना चाहिए। भिलाई वॉरियर्स एकेडमी ने अपना उद्देश्य बताया तो वहीं बच्चों ने भी अपने अनुभव हमसे साझा किए। ये नानी का बेसिकली क्रिकेट के बेस पे है। अंडर 14 सेलेक्ट करने का कारण ये कि हम लोग भी क्रिकेट खेले हुए हैं, बट हमारे टाइम में अंडर 14 हुआ नहीं करता था, तो हम लोग सोचे उसके लिए एक बेस तैयार करना चाहिए प्लेयर लोगों के लिए। तो इसलिए हमने मेरी नानी के मेमोरी में एक टूर्नामेंट रखा है जिसमें मेरा भाई पांडे जी भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, विजेश भी है, और हम लोग पहले लीग करते थे, अभी नॉकआउट, थोड़ा लीग के बाद नॉकआउट कर दिए, टर्फ विकेट भी प्रोवाइड कर दिए। उससे क्रिकेट अच्छा होगा छत्तीसगढ़ के लिए फ़ायदा, जैसे कि हम लोग प्राइज में 6 बच्चे छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस अकेडमी से। मैडम देखिए ऐसा है, पहले बेस अच्छा होगा ना तो राष्ट्रीय स्तर में अपने आप तैयार होगा। बेसिकली बेस के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, बाकी ऊपर खेलना उनके ऊपर है। हम बेस तैयार करेंगे पहले 14 का, उनको जो चीज़ चाहिए क्रिकेट के थ्रू हम वो देना चाहते हैं। ज़रूर मैडम, अभी अंडर 14 में इसलिए ऐसा एक्साइटमेंट लोगों को है क्योंकि बाकी जगह कोई टूर्नामेंट नहीं कराता अंडर 14 का, मोस्टली नहीं कराता, और टर्फ विकेट मिलता नहीं है। और रही बात आगे 16, 19 या 21 या रणजी ट्रॉफी की, तो उसके लेवल में हम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। जिस दिन उस लेवल का ग्राउंड तैयार होगा तो हम जरूर उस टूर्नामेंट को कराएंगे। मैडम देखिए BSP ऐसे भी बहुत कुछ कर रही है बच्चों के लिए, जहाँ पर कूड़ा करकट फेंकने का जगह था आज वहाँ पर ग्राउंड बन गया है, गार्डन बन गया है। और जो प्रशासन से हम लोग हेल्प मांगना चाह रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भिलाई का क्रिकेट को ऊपर करना चाह रहे हैं, न इसमें मेरे एकेडमी का कुछ बात है, न हमारा पर्सनल कोई इंटरेस्ट है। सिर्फ भिलाई के हमको ना किसी से फंडिंग चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ हमको ये एक चीज़ चाहिए, इस ग्राउंड को मेंटेन कर दे, बाकी हम उसको हमेशा मेंटेन करते जाएंगे। देखिए ये टूर्नामेंट हमारा 5 साल से चल रहा है और ये इस प्लेटफॉर्म से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट में लड़के खेलते हैं, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है खेलने के लिए। जैसे अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19 खेलते हैं बच्चे लोग, तो उनके फ्यूचर के लिए हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आने वाले साल में बच्चे और बेहतर करें, उसके लिए हम लोग पूरा जोर लगाते हैं नानी कप को आयोजन कराने के लिए। जी वही है, अब टर्फ विकेट के हम लोग सुविधा दे रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कराते हैं इन लोग को, और हमारे यहाँ से 4 से 5 बच्चे अभी स्टेट में खेल ही रहे हैं, उसमें गर्ल्स है, 3 से 4 लड़कियाँ हैं और 2-3 लड़के खेल रहे हैं अभी। नहीं, हम लोग का प्रशासन से एक ही मांग है कि ये गिर जाने से क्या थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ से अच्छा जाता है, गाड़ियाँ आना बंद हो जाएगी तो बच्चों के लिए ठीक है, जानवर आने बंद हो जाएंगे तो बच्चों के लिए अच्छे हो जाएगा। ये हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, फ्यूचर में कुछ खेलें, रणजी ट्रॉफी इंडिया, हमारा ये विचार है कि यहाँ से कोई बच्चा इंडिया टीम के लिए खेले, कंट्री के लिए खेले। मेरा नाम शिवम दुबे, मैं एक राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कप, नानी कप में फर्स्ट सीजन था मेरा, मैं पहली बार नानी कप खेल रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा नानी कप खेलते हुए। पूरी बस प्रैक्टिस है, सर लोग हमें अच्छे सिखा रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस है हमारी, बहुत ही अच्छी पहल थी ये, आप कैप्टन से पूछ सकते हैं। नानी कप ये मैं पहला सीजन खेला हूँ और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा नानी कप खेल के, और ये हम लोग सेकंड प्राइज भी पाए हमारी टीम, और हमारे ये अनंत भी बड़े ही अच्छा बैटिंग किए और ईशान भी, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फर्स्ट आते तो और अच्छा लगता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नानी कप बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है हमको यहाँ पे खेलने के लिए, और हम लोग रनर अप आए हैं, थोड़ा और अच्छा कर लेते तो विनर भी हो जाते हैं। कौन से हो, टीम का नाम क्या है? C3 भिलाई वॉरियर्स। प्रतियोगिता का समापन रविवार को किया गया, वहीं विजयी टीम को पुरस्कृत भी किया गया। खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आया।
निश्चित ही खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के लिए भिलाई वॉरियर्स एकेडमी ने जो ये प्रयास किया है और नानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है, निश्चित ही इस टूर्नामेंट से विजयी टीम के खिलाड़ी अपने आप को प्रदेश स्तर सहित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।